निषेध आंदोलन के विरोध में उत्तरी समाज सुधारक पार्टी सिविलाइन के जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि आज शुक्रवार को समाज सुधारक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवर सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिविलाइन के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वह एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम किसान बिल का समर्थन करते हैं, साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर जो टिकट आंदोलन हो रहा है हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, और उसी से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर किसान विरोधी बिल का विरोध कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। यह किसानों का आंदोलन नहीं, टिकैत आंदोलन हो रहा है। ज्यादा जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवर सिंह चौहान ने बताया। भंवर सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सुधारक पार्टी, और हम किसान बिल का समर्थन करते हैं समाज सुधारक पार्टी। और जो टिकैत आंदोलन हो रहा है दिल्ली बॉर्डर पर, उसका विरोध करते हैं। अगर किसानों को बिल का विरोध होता तो किसान आंदोलन करता, ना कि टिकैत आंदोलन। सिर्फ किसानों को राकेश टिकैत ने इस्तेमाल करने का काम किया है, अपनी राजनीति बनाने का काम किया है, उसने किसानों को बेचने का काम किया है। हम उसकी आज तक उसने राकेश टिकैत या उसके पिताजी ने किसानों का कौन सा भला किया है, इसका हम विरोध करते हैं। आज तक कोई भला नहीं किया सिवाय बेचने के। तीन बार तो हमको बेचा है, हम इनके साथ काम करते थे, 8-7 साल हमने काम किया। जब तीन बार हमको बेच दिया तब हमने इनको छोड़ा। तो इन्होंने हमेशा अपनी संपत्ति और अपना रोटी सेकने का काम किया है, अपनी संपत्ति को बढ़ाने का काम किया। हम ईडी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से दरखास्त करते हैं आज ज्ञापन के माध्यम से कि इनकी संपत्ति की जांच हो और इनके खिलाफ कानून कार्रवाई हो, जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं और किसानों को बगलाने का और देश में अशांति व्यवस्था का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कौन से अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा? जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। आए हैं